सर्वे छात्र छात्राणी नमस्कार। अद वयम विसर्ग संधि पठिष्यामः। पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि और व्यंजन संधि यानी स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरी विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे जो अंतिम है। उसकी परिभाषा इस प्रकार है, यदा विसर्गात परि स्वर व्यंजन वर्णनाम उपस्थितो विसर्गस्य स्थाने विकार आदेश लोपस्य भवन्ति यदा स विसर्ग संधि कथ्यन्ते अत्र विसर्गस्य स्थाने स आदेश भवति। कहना मतलब है कि यदा विसर्ग यदि विसर्ग के परे यानी विसर्ग के बाद स्वर व व्यंजन वर्ण उपस्थित हो, यानी यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी वर्ण उपस्थित हो तो विसर्ग से स्थाने विकार आदेश यानी विसर्ग के स्थान पर उसका आदेश यानी लोपस होती यानी लोप हो जाएगा यानी विसर्ग का लोप हो जाएगा तो सह विसर्ग संधि कहते हैं। उस संधि को क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहा जाता है। अत्र विसर्ग से स्थाने स आदेश भवती तो वहां पे विसर्ग का कहीं कई बार क्या होता है कि विसर्ग की जगह दो बिंदी की जगह स का भी आदेश होता है तो स स स और दो जो बिंदी है विसर्ग की दो बिंदी लगाते हैं ये दोनों एक ही है। स लिखो तो भी लोप होगा और दो बिंदी लगाते हैं तो भी लोप होगा। आप देखो जैसे उदाहरण है यथा हरीश हरीश गच्छति। अब यहाँ पे देखो स लगाएंगे तो भी वो अपन को वही नियम चलाना है और अगर दो बिंदी आती है यानी विसर्ग आता है तो भी नियम वही चलेगा। दोनों का मतलब एक ही होता है तो हरी स गच्छति तो हरी गच्छति ये संधि हुई। इसी तरह से देवा धन अत्र यानी देवा अत्र। अब ये किस तरह से हुई वो तो आगे अपन नियम में पढ़ेंगे। ये दो उदाहरण है। अब जैसे विसर्ग को अपन ऐसे भी कह सकते हैं स भी कह सकते हैं अल। अब अल अल का मतलब क्या होता है? प्रत्यार अ से लेकर ठेठ ल तक 14 जो सूत्र है 14 सूत्रों में जितने भी वर्ण हैं वो सभी यानी सभी स्वर का मतलब सभी व्यंजन का मतलब होता है कि स्वर और व्यंजन सभी स्वर और व्यंजन के वर्ण सभी आ गए। ठीक है तो अब इसमें किस किस का लोप होगा? जैसे रु तो रुत्व ये कौन सी संधि हो जाएगी? रुत्व। उसके बाद स स का लोप होगा तो सत्व ये संधि के नाम आ जाएंगे। जो जिसका लोप होगा वो उसके नाम आ जाएंगे। ऊ तो ऊ तो उत्व संधि और विसर्ग तो विसर्ग संधि। अगर रू का लोप होता है तो रुत्व संधि आ जाएगा। अगर स स का लोप होता है तो सत्व संधि। ऊ का लोप होता है तो उत्व संधि और विसर्ग का लोप होता है तो विसर्ग संधि। इस तरह से विसर्ग में इस और विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब हम आगे कौन कौन सी संधि होती है विसर्ग संधि वो पढ़ेंगे। विसर्ग संधि का सबसे पहला उदाहरण है रुत्व संधि। रुत्व संधि ह स स जुसो रू ह ये इसका सूत्र है। तो देखो अब इसका क्या है परिभाषा? ई उ री ए आई ओ वर्ण युक्त मतलब इन वर्णों से युक्त पदांत यानी शब्द के अंत में विसर्गस्य विसर्गो विसर्ग यानी इस टाइप का पश्चात यदि उसके बाद यदि स्वर वर्णना स्वर वर्ण वर्गाणम तृतीय चतुर्थ पंचम यानी स्वर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह वर्ण भवेयु ह वर्ण भवेयु यानी वर्ण हो त्रयी विसर्गस्य स्थाने र भवति तो उस विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाएगा। र यानी आधा व्यंजन र का आदेश हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि ई उ री ए आई ओ औ वर्ण युक्त कोई शब्द हो शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद यानी विसर्ग के बाद मतलब उत्तर पद में स्वर
या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह वर्ण में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर र का उच्चारण यानी र का आदेश हो जाएगा। हम उदाहरण से समझेंगे। देखो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, पदांत स यानी कोई भी शब्द होता है उसका पदांत यानी पद के अंत में स हो या विसर्ग हो, मैंने पहले भी बताया कि स हो या विसर्ग हो दोनों में से कोई भी हो इसका मतलब यही होता है और इसका मतलब यही होता है। और घन के बाद में स्वर, स्वर के जितने भी वर्ण हो, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह ये कोई भी आवे तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा और इसकी जगह र होगा। अब यहाँ पे हम समझेंगे उदाहरण से, हरी सह गच्छति, तो यहाँ पे देखो ये आया क्या स्वर और इसके बाद में क्या ये व्यंजन सॉरी विसर्ग है। अब ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है, तो यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा और क्या आएगा हरीर गच्छति, हरीर गच्छति। अगर यहाँ पे स्वर हो तो उसका मेल करके अपन पूर्ण वर्ण बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वर नहीं है ग है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे ह इस तरह से अर्ध र इस तरह से आएगा अर्ध, तो हरी गच्छति इस तरह से शब्द बन जाएगा। यहाँ पे देखो हरी स अवदत, तो स की जगह क्या हो जाएगा र हरीर अवदत, ठीक है। अब ये र और अ से मिल जाएगा तो ये पूर्ण र बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा हरीर हरीर वदत, क्या बन जाएगा हरीर वदत, क्योंकि ये इससे मेल होके क्या बन गया हरीर वदत बन गया। इसी तरह से दो उदाहरण और बताता हूँ, दो उदाहरण इस तरह से है वधु ह घन ऐसा या वधु स घन ऐसा ऐसा आवे तो भी है। हम विसर्ग की जगह या स की जगह क्या कर देंगे हमने र, क्या हो जाएगा र और ऐसा वधु, अब यहाँ पे र ए के साथ में मिलकर पूर्ण हो जाएगा पूर्ण वर्ण, तो वधु रेशा क्या हो जाएगा वधु रेशा, इस तरह से शब्द का निर्माण होगा। इसी तरह से हरे हरे ह घन नाम, तो हरे यहाँ पे विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा इस तरह से होगा, और हरे र ये विसर्ग सॉरी व्यंजन है तो ये आधा होगा हरे नाम, क्या जाएगा हरे नाम, ठीक है। तो इसी तरह से ये संधि होगी। धन्यवाद।